हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज धूप अच्छी निकल आई है तो मैं भी अपने छत पे आ गई हूँ। और ये आप देख रहे हैं, डायन्थस में काफ़ी फूल सूख गए थे तो मैं कट की हूँ। बस एक आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक ये छोड़ा हुआ था। ये देखिए, इस तरह से कुछ सूख गए थे तो कट करके ये आप देख लीजिए। इस तरह से सबको रखा हुआ है मैंने, कहीं पे डाल दूंगी। और इस दोनों ही डायन्थस का भी मैंने प्रूनिंग की है, इसे भी मैं अभी कैंची से कट करूंगी। वीडियो बनाते हुए एक हाथ से पॉसिबल नहीं है। सो ये इतना दूर से ये देखिए, यस। और प्रूनिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं करती ना तो बस उतने पे ही फ्लावरिंग होके रह जाता, फिर नए नए फ्लावर आते नहीं। अब मैंने ऊपर से अगर इसकी प्रूनिंग कर दी है तो फिर नए नए फ्लावर अभी आते रहेंगे, क्योंकि अभी तो सीज़न बचा है ये इसका, इसीलिए प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी था। और ये अपराजिता का भी जो बहुत पुराना प्लांट था, 2-3 साल पहले का, वो सूख चुका था तो मैंने देखिए इसकी भी कटिंग कर दी है ऊपर से। और अभी इस पे हल्दी का लेप लगा देंगे ला करके। इससे ये होगा, हल्दी का लेप लगाने से इसे फंगस नहीं आएंगे और सूखेगा भी नहीं सही से। तो इसमें पत्ते जो है अभी कुछ दिनों में लीफ आने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही मौसम थोड़ा सा, अभी तो मौसम सुधर गया। जैसे आज मौसम अगर ऐसा रहा तो आई थिंक मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में थोड़ी थोड़ी पत्ते आना शुरू हो जाएंगे और फिर से नया पेड़ बनेगा और फिर से नए नए फ्लावर आएंगे इसमें। तो इसलिए आप देख रहे हैं ये, इसको कट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये सूख चुका था। दूसरा है प्लांट अभी, वो मेरा सही है बट ये काफ़ी पुराना हो गया था तो इसको मैंने कट कर दिया है। और अब इसके बीज तो सारे मैं तोड़ डालूँगी, बीज तोड़ के मैं रखूँगी, कुछ अलग अलग गमलों में डालूँगी, कुछ लोगों को गिफ्ट करूँगी। तो इसी तरीके से ये केला का भी मैंने थोड़ी सफाई करी है, इसमें पत्ते काफ़ी सूख चुके थे तो इसके भी सूखे पत्ते सब निकाल दिए हैं। इसकी मैं पूजा करती हूँ, थर्सडे को ऐसे करनी चाहिए बट मैं तो इसकी रोज़ पूजा करती हूँ, रोज़ ही जल चढ़ाती हूँ। हाँ, थर्सडे को थोड़ी स्पेशल पूजा तो हो जाती है। थर्सडे को चना और गुड़, चने की दाल और गुड़ प्रसाद स्वरूप इसमें डालती हूँ और जल भी डालती हूँ हल्दी डाल के। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड। ये दोपहर का वक्त है, बस आप लोगों को बस थोड़ी सी अपनी प्रूनिंग दिखाने के लिए आ गई थी। वैसे अभी एक में और भी करना है, अभी धीरे इसमें भी कार्नेशन का आप देख रहे हैं, कार्नेशन भी थोड़ा सूख गया है तो इसमें भी करूँगी। और फिर आप लोगों को जब इसका इम्प्रूवमेंट होगा तो फिर से आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। इसलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल, कुछ लोग तो किए हुए हैं, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें प्लीज़। और मेरा वीडियो कैसा लगता है उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।